भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की सहकारी शिक्षा क्षेत्रीय परियोजना द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अवसर पर सहकारिता से समृद्धि एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम सुराना पैलेस में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह देवड़ा बरोदिया अध्यक्ष जिला पंचायत उज्जैन उपस्थित थी। अध्यक्षता श्रीमती शोभा यादव वरिष्ठ लेखापाल अपेक्स बैंक उज्जैन द्वारा की गई है। विशेष अतिथि श्रीमती सुमन वर्मा अध्यक्ष प्रेरणा सहकारी समिति एवं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष सिंह कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र परियोजना अधिकारी चंद्रशेखर बैरागी प्रेम सिंह झाला सहकारी शिक्षा प्रेरक उपस्थित थे। आभार श्रीमती शोभा यादव द्वारा व्यक्त किया गया। उज्जैन से ब्यूरो चीफ पंकज श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हाकम सिंह कॉकरेल की रिपोर्ट। किस विषय में आज कार्यक्रम यहां पर रखा गया और क्या है उद्देश्य इसका? देखिए, सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा जो आयोजित प्रोग्राम होते हैं उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं महिलाओं के, तो उसकी एक व्यक्तित्व विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था और उसमें उद्देश्य यही है कि देश की आधी आबादी जो महिलाएँ हैं उनको आर्थिक उत्पादकता से जोड़ना ताकि देश के विकास में हम लोग योगदान दे सकें। हमारा प्रयास है कि हम ग्रामीण क्षेत्र की हमारी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएं और उन्हें देश के विकास में सहयोग करें। अभी तक कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं? वैसे अभी तो हम 96 से ही काम कर रहे हैं सहकारिता में। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक युवा करता था और हजारों महिलाएं रोजगार जिनको मिला है। हमने महिला नागरिक बैंकें भी बनाई हैं, महिला सहकारी साख संस्थाएं भी बनाई हैं, छोटे स्तर पर ग्रामीण स्तर पर हमने स्व सहायता समूह का गठन भी किया है और काफ़ी महिलाएं लाभान्वित हुई है उसमें। तो हम एक संख्या नहीं बता सकते, मतलब लाखों की संख्या में महिलाओं को आगे बढ़ाया है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं श्रीमती शोभा यादव और अभी सरकार भारती में जिला अध्यक्ष के पद पर मुझे नियुक्त किया गया है।